চায়নার একটা বিকল্প দরকার। মেক্সিকো উঠে এসেছে, সে সবারই কিন্তু আসলে ফ্যাক্টরি আছে চায়নার, সবটাই একটু মনে হয় না যে কর্মসংস্থান হারিয়ে যাবে আমাদের, কিন্তু ওয়ার্কার কিন্তু আলটিমেটলি লাগছে, হয়তো কম লাগছে। স্বাগতম সবাইকে, বিচারেশনে আমরা চলে এলাম আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব, সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে রাইজ অফ নিউ গ্লোবাল ইকোনমিক সুপার পাওয়ার্স, হোয়াই ডু ফরেন কোম্পানিজ ওয়ান্ট টু এক্সিট চায়না ইকোনমি ইউপিএসসি। মানে ফরেন কোম্পানিগুলো চায়নার যে মার্কেট আছে সেখান থেকে সরে যেতে যাচ্ছে, এরকম কিছু এরকম কিছু একটা যত বড় টাইটেল দিয়েছে সেটা দেখে এরকমই মনে হচ্ছে। যাই হোক, আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ এডুকেশন থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি, এখানে কি বলতে চাচ্ছেন। कि चाइना दुनिया भर की कंपनीज का फेवरेट लोकेशन है, कोविड के साथ ये स्टेटस बदलता नजर आ रहा है। आज ये साफ देखा जा सकता है कि कई देश चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को उससे छीन कर अपने पास ले जा रहे हैं। इस शिफ्ट से ऐसी संभावनाएं आज जताई जा रही हैं कि शायद आने वाले समय में हम इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्रीज के एक नए जनरेशन को विटनेस कर सकते हैं। आज हमारे डिस्कशन का मकसद पोस्ट कोविड वर्ल्ड के न्यू राइजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर को समझना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चाइना को रिप्लेस करने वाले कुछ देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके इकोनॉमिक सुपर पावर्स बनने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। हां, ना क्या चेष्टा करबे जा रहा है ऊपर दिखे ऊपर जाए ताजे रिप्लेसमेंट तो उनकी तो चिंता करे सबाई। इसके साथ उन्होंने बड़े पोर्ट्स और फैक्ट्रीज वाले इकोनॉमिक जोन्स का भी क्रिएशन किया जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो सके। जैसे ही इन इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, चाइना की इकॉनमी अपवर्ड बूम करने लगी। 1980s से कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन कंपनीज के सिमिलर प्रोडक्ट्स को वेस्ट के कंपेयर्ड चाइना में चीपली मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल था। चाइना के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना की लो वेज्ड स्किल्ड वर्कफोर्स थी। इसके अलावा टैक्स लॉज और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज ने भी चाइना के ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई। इन फैक्टर्स का रिजल्ट ये हुआ कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर चाइना से बाहर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है तो वो उसे उस कॉस्ट में नहीं बना पाएगा जिससे चाइनीज प्रोडक्ट को कम्पीट किया जा सके। इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए। 2010 में दुनिया के सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 1/3 अकेले चाइना द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। 50 सालों के अंदर चाइना ने एक इंपूवरिश्ड नेशन से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का सफर तय किया है। इस सक्सेस के बाद भी कुछ स्ट्रेंज चीजें हैं जो पिछले कुछ सालों में हुई हैं। इन इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं, क्या होता है जब कोई कंट्री अपनी इकॉनमी लो लेबर कॉस्ट के अराउंड बिल्ड करती है और अचानक से वो वेल्दी हो जाए। चाइना के केस में ऐसा ही देखा गया है। 1990 में चाइनीज सिटीजन की एवरेज ईयरली वेज लगभग $150 हुआ करती थी। 2005 तक ये $2,800 हो गई। 2015 में ये आंकड़ा $8,900 तक जा पहुंचा। और इस साल चाइनीज वर्कर की एवरेज ईयरली वेज $13,500 हो चुकी है। ये एक मैसिव इंक्रीज है, जहां चाइनीज वर्कर के एवरेज वेजेस में 8,500 का इंक्रीमेंट पिछले 30 सालों में हुआ है। और इसका सीधा इम्पैक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पे पड़ा है, जो आज पहले के मुताबिक ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। इसकी वजह से 2016 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट देखी गई। इस साल भी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 2% की डिक्रीमेंट देखी गई है। 2016 के बाद चाइना ने फिर से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट हासिल किया, लेकिन इस इंक्रीमेंट पे भी रोक तब से नज़र आने लगी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना से आने वाले इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। टैरिफ से चाइनीज आइटम्स का यूएस में इंपोर्ट 7% तक कम हुआ। इन टैरिफ्स के साथ चाइनीज फर्म्स द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना कई वेस्टर्न नेशंस को पसंद नहीं,
जिससे वो चाइनीज कंपनी को देश से बाहर रखने के प्रयास करने लगे। इसके साथ कई देशों ने चाइनीज इंपोर्ट की जगह उन प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे भी जोर दिया। दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स जैसे राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोविड पैंडेमिक ने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पिछले 10 सालों में स्लो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। पैंडमिक की वजह से जब चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शटडाउन हुआ तो उसका सीधा इम्पैक्ट दूसरे देशों में एसेंशियल गुड्स की कमी के साथ देखा गया। इसका इम्पैक्ट मेडिकल इक्विपमेंट में सबसे सीवियर था। चाइना वर्ल्ड के मेडिकल इक्विपमेंट का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और पैंडमिक के दौरान चाइनीज फैक्ट्रीज के बंद होने से इन एसेंशियल गुड्स की स्कार्सिटी ग्लोबल लेवल पे देखी गई। चाइना ड्रग्स और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में भी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पैंडमिक के दौरान रफली 100 कॉमन यूज ड्रग्स दुनिया भर में मिलना मुश्किल हो गए। सिमिलर शॉर्टेजेस ने ना सिर्फ मेडिकल सेक्टर बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी हिट किया। ऑल ऑफ सडन टेक, फैशन और दूसरे कई तरह के बिजनेस अपनी सप्लाईज के लिए 1 से 2 मंथ लॉन्ग डिले फेस करने लगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसके बाद उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को चेंज करने की नीड समझी। पिछले कुछ महीनों में ही कई कंपनीज ने इस बात को समझ लिया कि शायद वो अपने कई क्रिटिकल डिमांड्स के लिए एक सोर्स पे ही डिपेंडेंट है। इस वजह से हम लोग एक कॉमन शिफ्ट देख सकते हैं। कुछ समय पहले जापान ने $2.2 बिलियन के इंसेंटिव प्लान की घोषणा की, जिसकी हेल्प से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को चाइना से निकालते हुए जापान और दूसरे एशियन कंट्रीज में शिफ्ट करेंगी। टोक्यो से आए एक रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि रफली 2600 कंपनीज में से 37% से ज़्यादा कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस के एटलीस्ट एक सेक्शन को चाइना से बाहर शिफ्ट करने के प्लान में है। अब इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रही हैं, इस शिफ्ट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक ऐसी कंट्री का है जिसने खामोशी से पिछले कुछ दशकों में इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे खुद को खड़ा किया है। 2000 तक वियतनाम अपने 100 मिलियन पॉपुलेशन के साथ एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट में विटनेस कर रहा था। इनफैक्ट वियतनाम की पर कैपिटा जीडीपी 2000 में केवल $390 हुआ करती थी, लेकिन उसी समय वियतनाम की इकोनॉमी में एक मेजर शिफ्ट होता नजर आता है। चाइनीज पॉपुलेशन इस समय तक वियतनाम की पॉपुलेशन से वेल्दी हो चुकी थी, जिससे अपैरल कंपनीज जैसे नाइकी चीप लेबर कॉस्ट की वजह से अपनी फैक्ट्रीज वियतनाम में बनाने लगती हैं। इस पैटर्न को दूसरी कई कंपनीज ने भी फॉलो किया। जैसे जैसे चाइना की पॉपुलेशन वेल्दी होती चली गई, वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी एक्सेलरेशन विटनेस किया। आज वियतनाम एक मिडिल इनकम कंट्री कंसिडर किया जा सकता है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी रफली $3,000 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मिडिल इनकम तक का सफर वियतनाम ने सिर्फ 20 सालों में देखा है। यदि ये ग्रोथ बना रहा तो शायद वियतनाम आने वाले समय में यूएई, सिंगापुर, ईरान और इवन हांगकांग को भी रिप्लेस कर इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में राइज करता हुआ दिखेगा। एक दूसरी कंट्री जिसने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डाउनटर्न से गेन किया है, स्पेशली पिछले 2 सालों में, वो है मेक्सिको। टेम्पेस्ट कैपिटल ने एस्टिमेट किया है कि मेक्सिको आने वाले समय में पर ईयर $12 से $19 बिलियन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शिफ्ट से रिसीव कर रहा होगा। फोले एंड लार्डनर द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे में US के 160 एग्जीक्यूटिव्स में से 2/3 ने अगले 2 ईयर्स में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस का एटलीस्ट एक पार्ट मेक्सिको में शिफ्ट करने की बात कही है। ऐसे और बहुत से डेटा हैं जो शो करते हैं कि मेक्सिको ऑलरेडी दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते में है। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 में मेक्सिको के US में एक्सपोर्ट लगभग 14% तक बढ़कर $320 बिलियन हो गए। चाइना के पर्सपेक्टिव में US में चाइनीज इम्पोर्ट का 42% है। मेक्सिको के लिए चाइना को रिप्लेस करना अभी मुश्किल है, लेकिन ईयर बाय ईयर ये गैप कम होता दिखाई दे रहा है। इन सब के साथ एक दूसरी कंट्री जिसे पिछले सालों में इस शिफ्ट से बेनिफिट मिला है, वो है इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना के बराबर लगभग 1.3 बिलियन है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना के कंपैरिजन में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है। लगभग हाफ ऑफ पॉपुलेशन आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। यदि US से कंपेयर करें तो अमेरिका की 5% से भी कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है। इसके बाद भी 2002 से इंडिया की इकॉनमी पर कैपिटा जीडीपी $470 से बढ़कर 2020 में
$2,100 तक आ पहुंची है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया ने 300 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स को पिछले 18 सालों में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है, वियतनाम जैसी कंट्रीज ने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपनी इकोनॉमी बूस्ट की है, वहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के पीछे सर्विसेज सेक्टर का हाथ है, जैसे बैंकिंग, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक एक्सेप्शन 2014 से इंडिया में स्टार्ट हुई सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। 2014 की शुरुआत में इंडिया लगभग 10 मिलियन सेलफोन्स हर साल बना रहा था, लेकिन 2019 के अंत तक इंडिया रफली 150 मिलियन सेलफोन्स मैन्युफैक्चर करने लगा, जिसने इंडिया को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलफोन मैन्युफैक्चर बनाया। इस मैसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बाद भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी कंपनीज आज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए इनएडिक्वेट मानती हैं। लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद, जिन्होंने चेन्नई में आईफोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है, हम आने वाले समय में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन देख सकते हैं। इंडिया के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज उसका लार्ज वर्कफोर्स और लो कॉस्ट लेबर है। आज इंडिया में एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $5 पर डे अर्न करता है, वहीं दूसरी ओर एक एवरेज चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $28 पर डे अर्न करता है। इस गैप ने कई मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे वो रिस्क लेकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यदि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटलाइज करता है, जैसे चाइना ने खुद को 1990 में किया था, हम इंडिया को भी दुनिया के थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख पाएंगे। दोस्तों, इस बात के बाद भी कि आज कई कंपनीज चाइना से अपने बेसिस को शिफ्ट करने के पक्ष में नजर आ रही हैं, इस बात की उम्मीद करना गलत होगा कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस को इतनी जल्दी अपने हाथों से निकलने देगा। अभी की सिचुएशन को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई कंट्री एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करती है, तो चाइना के बराबर खड़े होने में उसे एटलीस्ट 20 ईयर्स का टाइम लगेगा। दोस्तों, यदि वियतनाम, मेक्सिको या इंडिया वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में सक्षम हो भी जाती हैं, जिससे वो चाइना को रिप्लेस कर सके, इस बात पे क्वेश्चन है कि दुनिया का सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब कैसा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने एआई और रोबोटिक्स में एडवांसमेंट को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया है कि अगले 50 सालों में कई देश अपने प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लगेंगे, और यदि ऐसा अगले 50 सालों में नहीं होता है, तो हमारे पास एक पूरा कॉन्टिनेंट है जहाँ लार्ज पॉपुलेशन और चीप लेबर फोर्स मौजूद है, और जिसे पहले से ही यूएस और चाइना के बीच का इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। इस डिस्कशन के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले सालों में दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे, और यदि ऐसा होता है तो किस कंट्री को इस शिफ्ट से ज़्यादा गेन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। আমার মনে আছে তুমি বলছিলে যখন কোভিড শুরু হয়ে কিছুদিন চলে যায়, হ্যাঁ, এবং তোমার যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আনা লাগতো চায়না থেকে, বলছিলে যে চায়নার বিকল্প খোঁজা দরকার ছিল, এবং এটা প্রত্যেক দেশে আসলে ফিল করতে পারছে যে চায়নার একটা বিকল্প দরকার। না, এটা হয়েছে এমন একটা ব্যাপার যে চায়নার উপরে আসলে প্রত্যেকটা দেশ এতটাই নির্ভরশীল হয়ে গেছে যে ওরা ওদের বিকল্প চিন্তা করাটা এই মুহূর্তে আসলে অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। আর যেটা বলছে যে হ্যাঁ, নতুন কোনো জায়গা খুঁজে বের করতে আসলে এখনো 20-25 বছর লেগে যাবে, সময় লেগে যাবে, আর ততদিনে চায়নাও কিন্তু বসে থাকবে না তাদের জন্য। তারাও কিন্তু তাদের নিজেদের ডেভেলপমেন্ট বা অন্য যে জিনিসগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং আদার যে সমস্ত ফেসিলিটিস দরকার, তারা সেখানে তৈরি করবে, যেন নতুন কোম্পানিকে আকৃষ্ট করতে পারে, এবং পুরাতন কোম্পানিগুলো যেন তাদের কাছ থেকে চলে না যায়, সেটার জন্য তারা অনেক কিছুই করতে পারে। তো এখনো বোঝা যাচ্ছে না, তবে হ্যাঁ, এটাও সঠিক যে এই কোভিড সিচুয়েশন আসার পরে কিন্তু চায়নার বিকল্প আসলেই অনেকেই খোঁজা শুরু করেছে, কারণ তৈরিও হওয়া শুরু হয়েছে কারণ হচ্ছে তাদের একে ইকোনমি গ্রোথটা অনেক বেশি, মানে চাহিদা এখন বেশি, ওয়ার্কারদের লেবার কস্টটা বেশি। তো সেক্ষেত্রে সবাই চাইবে যে কম লেবার কস্টে যেখানে সেখানে যাওয়ার জন্য, তো সেক্ষেত্রে ভিয়েতনাম আসলেই অনেকে এগিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয়, কারণ আরও অনেক জায়গায় আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি এবং অনেক রিসার্চেও আমরা দেখেছি যে ভিয়েতনাম কিন্তু অনেক এগিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি যে মেক্সিকো উঠে এসেছে সেটা আসলে আমাদের জানা ছিল না, আমি আসলে কখনো যে মেক্সিকো দ্বিতীয় অবস্থানে আছে,
চায়নার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম যতটুকু উঠেছে, সেকেন্ড পজিশনে মেক্সিকো। মেক্সিকো অনেক পরিমাণ উৎপাদন করছে, তার মানে হচ্ছে ওখানেও লেবার কস্টটা মোটামুটি কম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ অবশ্যই কম, কম না হলে সেখানে ম্যানুফ্যাকচার করে একটা ম্যানুফ্যাকচারার কিন্তু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা কম। তো সেক্ষেত্রে তারা চাইবে যে লেবার কস্টটা যেখানে কম সেখানেই তারা ফ্যাক্টরি তৈরি করবে। ওয়ার্ল্ডের বড় বড় কোম্পানি যতগুলো আছে সবারই কিন্তু আসলে ফ্যাক্টরি আছে চায়না, সবাই চায়নাতে একটা করে ফ্যাক্টরি রেখে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কোম্পানি অলরেডি জাপানে শিফট করেছে, মানে ব্রাঞ্চ শিফট করেছে, প্রোটোকল তো এখনও শিফট করা সম্ভব হয়নি কিংবা করছে না, কারণ চায়নাতে তাদের একটা বেস থাকবে, পাশাপাশি চায়নার বিকল্প জাপানে করছে। অ্যাজ এ সেম তারা কিন্তু আবার যেমন অ্যাপেল আমাদের এই রিজনে ইন্ডিয়ার চেন্নাইতে কিন্তু একটা ম্যানুফ্যাকচার ব্রাঞ্চ খুলেছে, তো সেই রকম ভিয়েতনামে খুলবে। সেই ক্ষেত্রে এরকম কোভিডের মতো অন্য কোনো যদি প্রবলেম ওয়ার্ল্ডে আবার আসে তাহলে সেই দেশের বিকল্প একটা থাকা দরকার। যেমন এখন চায়নাতে প্রবলেম হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা সবাই সাফারার, আমাদের সকল প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে গিয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট পাচ্ছি না যেগুলো শুধুমাত্র চায়নার উপরে নির্ভরশীল। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা এই মুহূর্তে তারা কিন্তু সময় অনেক বেশি নিচ্ছে, কারণ কোভিড সিচুয়েশনের কারণে হোক যে কোনো কারণেই হোক অনেকটা সময় বেশি নিচ্ছে, প্রাইস বাড়িয়ে দিয়েছে, তারপর তাদের ওয়ার্কারদের কিন্তু প্রাইস বাড়িয়ে দিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই যখন এরকম বেড়ে যাচ্ছে আর যার একা আধিপত্য থাকে বাজারে সে কিন্তু সবসময় নিজে যেটা বলে সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করে, তখন কিন্তু আসলে যে কেউ চাইবে তার বিকল্প কোনো কিছু বাজারে আসুক। তো সবাই আসলে এই মুহূর্তে ওরকমই কোনো কিছু একটা চাচ্ছে যে মোটামুটি তার বিকল্প একটা আসুক, এতটা সহজ হবে না যে তাদের বিকল্প আনা, তার জন্য অবশ্যই সময় লাগবে। সবাই চাচ্ছে, মোটামুটি অনেকেই চাচ্ছে, সবাই বলবো না, অনেকেই চাচ্ছে, হ্যাঁ অনেকেই চাচ্ছে। আর আসলে যদি না এরকমই হয়ে যায় যে রোবোটিক ব্যাপারগুলো চলে আসে যে লেবার গুলো রোবোটিক হয়, তখন কিন্তু মানুষ আরও বেশি এটার উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাবে এবং সবাই চাইবে যে তাদের নিজস্ব ঘরোয়া জায়গাতেই যেন ফ্যাক্টরি তৈরি হয় এবং তারাই ডোমেস্টিক এরিয়াতে আর কি, তো তারাই যাতে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে। তবে রোবোটিক হলে ঠিক আছে, প্রোডাক্ট স্পিডলি উৎপাদন হবে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু পাশাপাশি মানুষের কর্মসংস্থানও কিন্তু অনেক হারিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে রোবোটিকটা মনে হয় না যে কর্মসংস্থান হারিয়ে যাবে, আমার কাছে মনে হয় যে এগুলা কম্পিউটার একসময় আসার পরে বাজারে সবাই মনে করেছে যে মানুষের হয়তোবা কর্মসংস্থান কিন্তু চলে যাবে, বাট সবসময় কিন্তু সেটা হয়নি, কারণ কম্পিউটারকে চালানোর জন্য মানুষের প্রয়োজন হয়েছে, অনেক প্রোগ্রাম এসেছে যেগুলো মানুষ সবাই সব কিছু জানে না, বোঝে না, তো এক একজন এক একটার উপরে কিন্তু স্পেশালাইজড হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে বলতে যাচ্ছে যে রোবট চালানোর জন্য মানুষ লাগবে এবং সেইখানে অবশ্যই তার প্রোগ্রামিং থাকবে, নিশ্চয়ই তার প্রোগ্রামিং থাকবে এবং সেই প্রোগ্রামিংটাকে দেখাশোনা করার জন্যও কিন্তু মানুষের প্রয়োজন হবে অবশ্যই, এবং নতুন নতুন হয়তো এখনকার যে টেকনোলজিটা চলছে বা যেভাবে মানুষ কাজ করছে বরাবরই সেভাবে কাজ না করে হয়তো কাজগুলো অন্যভাবে করতে হবে এবং অন্য নতুন কিছু তাকে শিখতে হবে, বাট টোটালি যে মানুষ এটা থেকে বাদ যাবে আমার কাছে মনে হয় না এরকম কোনো কিছু। আর এক্স্যাক্টলি আমি বলি যে যেমন হচ্ছে আমরা যে আমাদের আরএমজি সেক্টরে যে মেশিনগুলো পরিচালনা করা, আগে প্রত্যেকটা মেশিনের জন্য হ্যান্ড মেশিনের জন্য একজন করে ওয়ার্কার লাগতো, এখন হচ্ছে যে প্রত্যেকটা 10টা মেশিনের জন্য একজন ওয়ার্কার হলে চলে, কিন্তু ওয়ার্কার কিন্তু আলটিমেটলি লাগছে, হয়তো কম লাগছে কিন্তু লাগছে, কিন্তু আবার এখানে স্পেশালাইজড অনেক ব্যাপারে কিন্তু তাদের লাগছে, পুরোপুরি বাদ দিতে পারছে না। তো এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বেশি লাগে, আর যে সমস্ত কোম্পানিগুলো তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে যখন তাদের ম্যান পাওয়ার লাগে তখন তারা চিন্তা করবে লো কস্টে ম্যান পাওয়ার কোথায় পাওয়া যায়। চায়না এতদিন ধরে ডেভেলপমেন্ট করছে তাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গাটা, সেটা ডেভেলপ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে সমস্ত লোকজন আছে তাদেরও কিন্তু কস্টিং বেড়ে গিয়েছে, এখন তারা $28 পার ডে পে করতে হচ্ছে এরকম। সেই জায়গায় কিন্তু ইন্ডিয়াতে যদি ডেভেলপমেন্ট হয় এবং ইন্ডিয়ান পিপল যদি এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয় সেখানে কিন্তু কস্টটা $5 মধ্যে থাকছে। আসলে আমাদের এই এই এলাকাতে কিন্তু ওয়ার্কারের কস্ট কিন্তু কম, যার কারণে সবাই আসলে ম্যানুফ্যাকচারের দিকে এদিকেই দৌড়াচ্ছে। অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আসলে চায়নার বিকল্প হিসেবে ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া, মেক্সিকো, পাশাপাশি আমাদের দেশেও কিন্তু চাইলে এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উঠতে পারবে তা বলবো না, বাট কিছুটা অংশ অবশ্যই আমরা ফুলফিল আপ করতে পারি। তো ওভারঅল ভিডিওটি অনেক ইনফরমেটিভ ছিল এবং আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর আমাদের সাথে সাথে যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।